हाय एवरीवन, सलाम नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पालक वैसे तो बहुत ही हेल्दी होता है और अभी विंटर्स में बहुत ही अच्छा पालक भी आता है, तो आप चाहे सर्दी हो चाहे बारिश का मौसम हो, आप ये पकौड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ना ही ये ज़्यादा ऑयल सोखते हैं। तो आज मैं आपको कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मैंने स्प्रिंग अनियन, जो हरे प्याज होते हैं ना, वो ले लिए हैं, और मैंने यहाँ पे पालक ले लिया है। ये कम से कम 250 ग्राम पालक होगा, तो ये बेबी स्पिनिच जो होता है ना, छोटा वाला पालक वो है। तो उसे मैंने अच्छे से धो के वॉश करके उसे मैंने छोटे पीसेज में कट कर लिया था। तो आपको यहाँ पे कट करने के बाद वॉश नहीं करना है, पहले आप धो लीजिए उसके बाद कट कर लीजिए। और फिर स्प्रिंग अनियन है, उसे भी मैंने धो के अच्छे से कट कर लिया है। तो आप ध्यान रखिए पालक में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, अगर उसमें पानी ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा उसे सूख जाने दीजिए, अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें मैंने जो नॉर्मल प्याज होता है, नॉर्मल प्याज भी मैंने हल्का सा बारीक लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो भी मैंने डाला है। लेकिन इसमें स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास हरे प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी जैसे मैंने डाले हैं उसे ज़्यादा डाल लीजिए। अगर आपको प्याज बिल्कुल पसंद नहीं तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी 1/2 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके डाला है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब ही। तो जो मिर्ची है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी, वैसे तो पालक के पकौड़े में हल्दी नहीं डलती है अदरवाइज, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है तो मैं वो डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा ही मैं अमचूर डाल दूंगी ताकि थोड़े से ये खट्टे से लगे, ये टोटली ऑप्शनल है अमचूर इसमें। अब इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये आप जो देख रहे हैं ये खास इंग्रेडिएंट जो ये है राइस फ्लोर, चावल का आटा। आप नॉर्मल चावल को ले लीजिए, उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और उसे पीस लीजिए, तो वो इसमें आप डालिए। आप किसी भी पकौड़े में अगर चावल का आटा थोड़ा सा डालते हैं तो जो पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इस जो टिप है इसको आप एक बार आजमा के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो चावल का आटा मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी लिया है, तो इसमें अभी हम कुछ भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक में ही खुद का पानी होता है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और अदरक लहसुन इसमें ऑप्शनल है, लेकिन अदरक लहसुन से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन ना डालें लेकिन अदरक तो आप इसमें ज़रूर डालिए। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद अब हम इसके अंदर ये बेसन डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कम से कम मैं यहाँ पे 1 कटोरी बेसन का यूज कर रही हूँ। आप एक छोटे से कटोरी से मेजर कर सकते हैं हर चीज को, एक मेजरमेंट के लिए कप रख लीजिए, उससे आप मेजर कर लीजिए। और इसे फिर अच्छे से मिला लीजिए। तो देख सकते हैं आप, इसमें पानी डालने का अभी कोई भी हमें ज़रूरत नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो हम बेसन डाल रहे हैं और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो सभी जो है वो पानी छोड़ रही है, मसाले भी। और पालक में भी खुद का पानी होता ही है। तो अच्छे से मैं मिला दूंगी। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची जो है बारीक काट के भी डाली थी, वो मैं भूल गई थी आपको बताना। और इसमें जो स्प्रिंग अनियन हमने डाले हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप देख सकते हैं ये मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक आप तभी डालिए जब आपको पकौड़े आप बनाने हो, आपको बिल्कुल उसी स्टेज पर हमें इसे नमक डालना है। पहले नमक डाल के ना रखें, तो इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और इसमें हम छोटे छोटे पकोड़े जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को हमें जो है
मीडियम टू हाई ही रखना है, लो बिल्कुल नहीं रखना है। लो रख देंगे तो जो ऑयल है वो सारा पकौड़ा पी लेंगे, तो वो ऑयली वाले पकौड़े बन जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर आप इसमें राइस फ्लोर नहीं है आपके पास इन केस, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेसन हो ना उसे आप थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद जो बेसन आप डालेंगे पकौड़े में, तो उससे क्या होगा कि एक तो टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा और ये बिल्कुल भी तेल जो है वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनेंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स पे अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ऐसे ही मैं सारे के सारे पकौड़े जो है वो हाथों की सहायता से सारे के सारे पकौड़े तेल में डाल दूंगी, और इसे कम से फ्राई होने में हमें कम से कम 6-7 मिनट लग ही जाता है। अगर आप ज़्यादा पकौड़े फ्राई करेंगे तो एक बार जब ये पकौड़े हल्के से नीचे से सिक चुके हैं तो इसे अब हम पलट देंगे। तो आपको एकदम से डालते टाइम ही पलटना नहीं है, इसे थोड़ा सा आप पहले नीचे से सिक ले लीजिए, उसके बाद इसे अब हम टर्न करेंगे। तो ये अच्छे से जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, तो हमें ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है ये बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो पालक और प्याज जो डाला है वो सारा का सारा ही जो है वो जल जाएगा, जो वो टेस्ट अच्छा नहीं देगा। तो अभी देख सकते हैं आप, ये पकौड़े जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे जो है निकाल लेंगे, और एक टिश्यू पेपर पे आप इसे किचन टॉवल पे इसे निकाल लीजिए, ताकि जो सारा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। तो ये पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे टमाटो केचप, इमली की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए। इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी लगते हैं पकौड़े। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी।